जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी आता नहीं, सही समय कभी आता नहीं, बस हर समय को सही बनाना पड़ता है, बस हर समय को सही बनाना पड़ता है। तो आज का जो हमारा न्यू स्टार कंसेप्ट, न्यू टॉपिक है, वो है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी। मतलब जो वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव ट्रांजिशन होता है, फ्लावर कहाँ पे बनेगा, उसकी जो सिग्नलिंग होती है उसको हम डिस्कस करें। प्लांट डेवलपमेंट में शूट अपिकल मेरिस्टेम जो हम डिस्कस करते हैं, वहां पे फ्लोरल आइडेंटिटी कैसे आती है। तो सबसे पहले ये जो सिग्नलिंग स्टार्ट होती है लाइट से स्टार्ट होती है। लाइट जैसे लीफ के ऊपर गिरती है तो यहाँ पे कॉन्स्टेंस प्रोटीन एक्टिवेट होता है, एंड ये जो कॉन्स्टेंस है दिस कॉन्स्टेंट एक्टिवेट फ्लावरिंग लोकस्टी प्रोटीन या फ्लावरिंग लोकस्टी का जीन एक्सप्रेशन होता है। तो कॉन्स्टेंस एक्टिवेट करता है फ्लावरिंग लोकस्टी जीन को, एंड फ्लावरिंग लोकस्टी का जो प्रोटीन है ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम लीफ टू द शूट अपिकल साइड। तो फ्लावरिंग लोकस्टी का प्रोटीन लीफ से लीफ में बनता है, कॉन्स्टेंस ने एफटी जीन को एक्सप्रेस किया, फिर फ्लावरिंग लोकस्टी बना, वो फ्लावरिंग लोकस्टी शूट के अपिकल साइड में माइग्रेट करता है लीफ से। जैसे वो अपिकल साइड में आता है तो यहां पे देखिए अपिकल साइड में फ्लावरिंग लोकस्टी ये विथ फ्लावरिंग लोकस्टी, मतलब फ्लावरिंग लोकस्टी एंड फ्लावरिंग लोकस्टी ये दोनों मिला के एक्टिवेट करते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जींस। एंड फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जींस में कौन आता है, तो यहां पे आता है लीफी, तो लीफी जीन एक्टिवेट करते हैं एंड एपिटेला वन जीन एक्टिवेट करते हैं। तो लीफी जीन एंड एपिटेला वन जैसे एक्टिवेट होते तो यहाँ पे फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी आती है। तो देखिए ये वाला जो रीजन है यहाँ पे डिसाइड होगा कि यहाँ पे फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन एक्सप्रेस होंगे। तो लीफी एंड एपिटेला वन जैसे एक्टिवेट होते तो लीफी एंड एपिटेला वन यहाँ पे एबीसीडीई जीन्स एक्सप्रेस करते जो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी, तो ये फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स है। ये वाला जो है वो लीप प्रिमोडियम है, ये लीप प्रिमोडियम है, एंड उसके साइड में यहाँ पे फ्लोरल आइडेंटिटी आई, मतलब एबीसीडी फैमिली के जीन एक्सप्रेस हुए, एंड बीच में इनफ्लोरेसेंस मेरिस्टेम है कि जहाँ पे इनफ्लोरेसेंस रहेगा। तो ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम है, ये फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी आने के बाद यहाँ पे एबीसी मॉडल के जीन्स एक्सप्रेस होते। एबीसी मॉडल में हम देखते हैं कि लीफी एपिटेला वन के बाद एक्सप्रेशन होगा क्लास वन क्लास टू एंड क्लास थ्री, या क्लास ए क्लास बी क्लास सी के जो जीन्स हम देखते। क्लास ए जीन जो होता है दैट इज द एपिटेला टू, तो एपिटेला टू जहां पे भी एक्सप्रेस होता है वहां पे सबसे पहले जहां पे ओनली एपिटेला टू एक्सप्रेस होता है वहां पे हम बोलते हैं कि वहां पे फॉर्मेशन होगा सेपल। तो जो भी फर्स्ट जीन हम देखते हैं कि जो एबीसी मॉडल के, मैं यहां पे लिख के बताता हूं आपको ताकि आपको यहां से समझ में आ जाए। जो जनरल हम एबीसी मॉडल को डिस्कस करते तो यहां पे एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट जीन जिसे हम बोलते हैं एपिटेला टू, तो एपिटेला टू ये फर्स्ट एंड सेकंड ओरल में एक्सप्रेस होता है। एपिटेला टू जहां पे एक्सप्रेस होता है वहां पे सेपल फॉर्मेशन होती है, ओनली एपिटेला टू जहां पे एक्सप्रेस होगा वहां पे सेपल फॉर्मेशन होगी। दूसरा जो क्लास के जीन है इसे हम बोलते हैं एपी थ्री एंड पिस्टेलेटा, तो एपी थ्री एंड पिस्टेलेटा, एपिटेला टू एंड एपी थ्री एंड पिस्टेलेटा क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड जहां पे भी एक्सप्रेस होते हैं वहां पे पेटल फॉर्मेशन होती है। देन तीसरा जो जीन है दैट इज द अगैमस, क्लास सी जीन जो है अगैमस है, जहां पे अगैमस प्लस एपिटेला थ्री पिस्टेलेटा एक्सप्रेस होते हैं वहां पे फॉर्मेशन होता है टैमिन, तो यहां पे फॉर्मेशन होगा टैमिन, एंड जहां पे ओनली अगैमस एक्सप्रेस होता है वहां पे फॉर्मेशन होगा कार्पेल, तो यहां पे कार्पेल बनेगा। तो ये है जो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, दैट इज हम बोलते हैं कि एबीसी मॉडल, कि जहां पे सबसे पहला जीन क्लास ए जीन है एपिटेला टू, एपिटेला टू फर्स्ट एंड सेकंड ओरल में एक्सप्रेस होता है। दूसरा जो क्लास के जीन है वो है एपिटेला थ्री एंड पिस्टेलेटा, जो क्लास बी जीन भी हम बोलते हैं, जो सेकंड एंड थर्ड ओरल में एक्सप्रेस होते हैं, एंड अगैमस जो क्लास सी जीन है या क्लास थर्ड जीन है ये थर्ड एंड फोर्थ ओरल में एक्सप्रेस होते हैं।
जहां पे ओनली एपिटल टू एक्सप्रेस होता है वहां पे हमेशा सेपल बनती है, जहां पे एपिटल टू प्लस एपिटल थ्री एंड पिस्टलेटा एक्सप्रेस होते हैं वहां पे सेकेंड जो ओरल हम देखते हैं वहां पे पेटल्स बनते हैं। तो पेटल्स बनने के लिए दोनों भी चाहिए, एपिटल टू एपिटल थ्री पिस्टलेटा। जहां पे अगैमस प्लस एपिटल थ्री पिस्टलेटा एक्सप्रेस होते हैं वहां पे टैमेन बनते हैं, और जहां पे ओनली अगैमस एक्सप्रेस होता है वहां पे कार्पेल बनता है। तो इस तरह से यहाँ पे फ्लोरल की ऑर्गन आइडेंटिटी आती है। तो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी में सिर्फ हमने ये देखा कि लाइट आई डे के समय पे, लिप के ऊपर लाइट गिरी तो लाइट से लिप में कॉन्स्टेंस प्रोटीन बना, कॉन्स्टेंस ने फ्लावरिंग लोकस्टी का जीन एक्सप्रेस किया, एंड ऐसा बोलते कि उस फ्लावरिंग लोकस्टी का एमआरएनए शूट अपाइकल साइड में जाता है और वहां पे प्रोटीन बनता है, एंड फ्लावरिंग लोकस्टी का प्रोटीन जैसे अपाइकल साइड में बना, फ्लावरिंग लोकस्टी प्लस फ्लावरिंग लोकस्टी ये दोनों प्रोटीन मिला के फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन एक्सप्रेस करते हैं, जिसे लिपी एंड एपिटला वन बोलते हैं। एंड लिपी एपिटला वन एक्सप्रेस हुए तो वहां पे फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी मतलब एबीसी मॉडल के एबीसीडी मॉडल के जीन एक्सप्रेस होते हैं, एंड वहां पे फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तो ये एबीसी मॉडल के जीन्स में एपिटला वन एपिटला थ्री पिस्टलेटा ये सारे मैडबॉक्स फैमिली के मेंबर से या मैडबॉक्स जीन फैमिली में आते हैं। ओके, तो ये था हमारा फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, जिसमें फ्लावरिंग लोकस्टी एंड फ्लावरिंग लोकस्टी का रोल क्या है, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी कैसे आती है, एंड एबीसीडी एबीसी मॉडल के जो जीन्स है वो कौन से ये हमने डिस्कस किए। तो इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एबीसी मॉडल पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कोई भी टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पोस्ट कीजिए वीडियो के नीचे, हम आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। ओके, और आपको ये सीरीज कैसे लगी, क्या आपको न्यू लर्निंग हो रही है, क्या आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग।